तो एक के बाद एक कई बड़े खुलासे हो रहे हैं। हम आपको बता दें, पटना में जिस तरीके से 5 मई 2023 को पेपर लीक की जो मामला है वो सामने आया, एफआईआर की गई, नीट पेपर में धांधली का बड़ा खुलासा किया गया, तो वहीं आप देख रहे हैं गोधरा में भी इसी तरीके का मामला सामने आया। पुलिस की एफआईआर में पेपर लीक का जिक्र गैंग का किया गया कि किस तरीके से इस पूरे मामले में गैंग जो थे वो सक्रिय रहे। सेंटर को मैनेज करने का भी एक बड़ा आरोप लगा। एक छात्र से 30 लाख रुपए लेने का दावा नीट देने वाले 16 छात्रों ने एक सेंटर को चुना, तो वहीं दावा यह किया गया कि पेपर लीक कराने वाले गैंग ने पैसे लिए, छात्रों से गैंग ने लाखों रुपए की वसूली की। उधर सिकंदर यादवेंद्रु मास्टरमाइंड बताया जा रहा है इस पूरे मामले में, पुलिस गिरफ्त में मास्टरमाइंड है। परशुराम रॉय मामले में अब तक 19 लोग गिरफ्तार हो चुके हैं। मामले में अब तक 5 लोगों को गिरफ्तार किया जा चुका है। नीट पेपर देने वाले 9 छात्र भी शामिल बताए जा रहे हैं। छात्रों से ओएमआर शीट खाली छोड़ने के लिए कहा गया था। नीट के पेपर से पहले ही प्रश्न पत्र जलाए गए और बाद में बचे उत्तर ओएमआर शीट से भरने की बात भी सामने आई। पुलिस की मुस्तैदी से आरोपी पकड़ा गया। पुलिस के मुताबिक 12 करोड़ रुपए का लेन देन हुआ है, ये बड़ा खुलासा हुआ है। तो ये एक के बाद एक जो तमाम खुलासे हैं, सवाल खड़े करते हैं कि आखिरकार नीट कब क्लीन होगा। अब इसी से जुड़ी अगली बड़ी खबर क्या है, आपको प्रगति बता रही है। बिल्कुल, और नीट का मनी कनेक्शन क्या है, इतने सारे आरोप लग रहे हैं और अब गुजरात और बिहार कनेक्शन भी सामने आ रहा है। आपको ग्राफिक्स के जरिए समझाते हैं। देखिए, पटना की बात करें तो लाखों रुपए का बंदरबांट यहां पर हुआ है। अब पटना कनेक्शन भी निकलकर सामने आ रहा है। एक छात्र से 30 लाख रुपए लेने का दावा है, तो वहीं आपको जानकारी दे दें कई छात्रों से 30 से 32 लाख रुपए लेने का भी दावा बताया जा रहा है। तो देखिए, ये बड़ा मामला अब निकलकर सामने आ रहा है। एक के बाद एक खुलासे, मास्टरमाइंड के पास से करीब 2.5 करोड़ के चेक बरामद कर लिए गए। गुजरात के गोधरा की हम बात कर रहे हैं जहां से ये मामला निकलकर सामने आ रहा है, और छात्रों से गैंग ने लाखों रुपए की वसूली की है, ये भी बताया जा रहा है यहां पर। तो सेंटर चुनने के लिए 10 लाख की रिश्वत ली गई थी, क्योंकि आप जो खबरें सामने आ रही हैं उसमें ये भी आरोप लग रहे हैं कि भाई जब इतनी दूर राज्य से सेंटर कैसे चुन लिया गया। पुलिस के मुताबिक करीब 12 करोड़ का लेन देन हुआ है, ये बात हो गई गुजरात की, जो गुजरात कनेक्शन निकल कर आ रहा है। क्योंकि देखिए, अब नीट में मनी कनेक्शन भी साफ तौर पर सामने आ रहा है। तो पुलिस के मुताबिक 12 करोड़ की यहां पर धांधली हुई है और आरोप लग रहे हैं। एक और बड़ी खबर बताएंगे अनामिका, और नीट में लापरवाही और भ्रष्टाचार के आरोप का मामला थमने का नाम नहीं ले रहा है। तो वहीं दूसरी ओर अब मध्य प्रदेश में नर्सिंग घोटाला, उस पर भी बड़ा सवाल उठ रहा है। दरअसल नर्सिंग घोटाले को लेकर कहा जा रहा है कि जिन अधिकारियों को इस पूरे मामले की जांच सौंपी गई थी, वही लोग इस पूरे मामले में भ्रष्टाचार में संलिप्त पाए जा रहे हैं, और इस पूरे मामले में क्लीन चिट तक दे दी गई है। दरअसल सीबीआई अधिकारियों पर यह आरोप लग रहे हैं, और यह आरोप किसी और ने नहीं बल्कि इस घोटाले को उजागर करने वाले लोग ही लगा रहे हैं। बच्चों के भविष्य का खिलवाड़ कर रहे हैं, और जो फर्जीवाड़ा कर रहे हैं उनका भला हो गया, और जो बच्चे हैं उनका मरण हो रहा है। मुझे भी 3 साल हो गए सर, एक ही क्लास में हमारी एग्जाम भी नहीं हो रही है, बार बार इंस्पेक्शन के बारे में बोल देते हैं। तो अगर हमारे 4 साल में डिग्री नहीं कम्प्लीट हुई तो कब तक वो लोग पैसे देंगे सर? ऐसे सरकार तो हमें दे नहीं रही। नर्सिंग घोटाले का मतलब इसकी वजह से बहुत सारे बच्चे, जो हम लाखों के मतलब स्टूडेंट है, वो सारे परेशान हो रहे। कागजी नर्स, कागजी डॉक्टर और कागजी अस्पताल, नर्सिंग कॉलेजों की एक कलंक कथा मध्य प्रदेश की है, जहां सरेआम नर्सिंग घोटाला होता रहा। लाखों छात्रों के भविष्य और हजारों मरीजों की जिंदगी से खिलवाड़ होता रहा, क्योंकि सब कुछ कागजों में था, जमीन पर नहीं। मध्य प्रदेश का नर्सिंग कॉलेज घोटाला मामला उजागर हो चुका है, सीबीआई भी जांच कर रही है, और अब जिला न्यायाधीश की निगरानी में पूरी जांच की जा रही है, क्योंकि लगातार एक के बाद एक शिकायतें जा रही हैं। जब अब पूरा जो घटनाक्रम है जबलपुर हाईकोर्ट की निगरानी में है। मध्य प्रदेश में नर्सिंग कॉलेजों का घोटाला 2021 में सामने आया, जब अचानक कॉलेजों की संख्या तेजी से बढ़ी, बिना उचित मापदंडों के ही कॉलेजों को मान्यता मिलने लगी। गड़बड़ी की आशंका देख आरटीआई एक्टिविस्ट ने इसकी शिकायत